बॉम्बे टॉकीज में आज सुनिए रंगमंच, फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री लुबना सलीम से रेणु चतुर्वेदी की टेलीफोन पर हुई फिल्मी गपशप का पहला भाग। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। जी हाँ, फिल्मी गपशप और ढेर सारी बातें तो हम इसमें करते ही हैं। आज हम जिस शख्सियत से बात करने जा रहे हैं, उनकी खूबसूरती बेमिसाल है, उनकी हंसी बेमिसाल है, रंगमंच हो या धारावाहिक या फिल्में, आपकी अभिनय कला भी बेमिसाल है। और मुंह से यही निकलता है, ओ माय गॉड इसलिए निकल रहा है मुंह से बेबस, क्योंकि लुबना सलीम का नाम जब आता है तो फिल्म याद आ जाती है, ओ माय गॉड। मैं भी यही कहूंगी, हम 2021 में पहुंच गए, ओ माय गॉड। नए साल की आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। लुबना जी, कार्यक्रम में स्वागत है बॉम्बे टॉकीज में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए, हम ओ माय गॉड ओएमजी की बात हुई तो इसी से शुरू करते हैं। आप उसमें कांजीलाल जी की पत्नी बनी हैं। ओ माय गॉड का जो प्लॉट है वो बिल्कुल अलग हटके है, उसके बारे में ही बात करते हैं सबसे पहले। कि क्या लगता है आपको, ये भगवान के यहाँ नोटिस देना, और आप इतनी उसमें धर्म भीरू दिखाई गई हैं कि बहुत डरती हैं। देखिए, ये तो हमारे यू नो कल्चर का हिस्सा है, यू नो धार्मिक, और इंडिया से ज्यादा तो यू नो आज हमें सब लोग कॉपी करते हैं, हमारा योग कॉपी करते हैं, हमारा आयुर्वेद कॉपी करते हैं। जो मतलब ये कि हम दुनिया भर में मशहूर हैं। और हैविंग सेड दैट, ओ माय गॉड जो थी वो एक ऑस्ट्रेलियन नाटक पर आधारित है। अच्छा। और इसका पहले नाटक ही बना था, द मैन हु सूड गॉड पर एक यू नो वो कहानी थी, और बहुत ही पुरानी, कुछ 25-30 साल पुरानी कहानी थी। और उसके ऊपर नाटक पहले बना, कांजी वर्सेस कांजी, जिसमें जो तीन वही थी, परेश रावल जो कांजी भाई कर रहे थे, और जो डायरेक्टर था उमेश शुक्ला, तो ये दोनों इन्हीं का प्रोडक्शन था। और ये इतना चर्चित हुआ, मतलब नाटक की उसमें तो सारे ही लैंग्वेजेस में ये बनाया गया, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में। और इसके बाद जब इसको ये लगा कि ये हर किसी से रेजोनेट कर रहा है, ये एक बात है श्रद्धा, अंधश्रद्धा की, और जहां पर आज की डेट में जहां हम श्रद्धालु या भक्तों के नाम पर हम पता नहीं क्या 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 करते हैं और क्या क्या चीजें मानने लगते हैं और उन्हीं में बह जाते हैं कि वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है, तो हमें सच्चाई और जो अंधश्रद्धा है उसके बीच में हमें कोई अंतर नहीं दिखाई देता। तो ये उन चीजों को हाईलाइट करने की एक कोशिश थी, और बहुत सुंदर प्रयास था ये। और जिस तरह से उसको इंडियनाइज किया और जिस तरह से लोगों ने उसे सराहा और जिस तरह से लोगों ने उस बात को समझा, तो वो एक उससे इन लोगों की बड़ी हिम्मत हुई कि ये इसको बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और उसकी फिल्म बनाए। फिल्म तो आप जानते हैं कितनी बड़ी सुपर डुपर हिट हुई, और कांजी भाई परेश जी का जो रोल था वो तो अमेजिंग था। और वो एक ही रिलीजन को नहीं, हर रिलीजन में जो यू नो अंधश्रद्धाएं चल रही हैं उनको सतर्क किया गया, आगे जगाने की कोशिश की गई, बिल्कुल कि हम ये नहीं है जहाँ पर हम जा रहे हैं। इस तरह की चीजों से आपका भला नहीं होने वाला है, ये सब चीजें जो है ये एक हद के बाद आपकी रियल लाइफ में नहीं काम करेगी, सिर्फ आपकी मेहनत और आपकी लगन काम करेगी, कर्म से ही। ये कर्म काम करेंगे, बिल्कुल। तो ये बात थी। इसमें परेश भाई का रोल बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बिकॉज ऑब्वियसली, और वो तो इतने सालों से वो नाटक कर ही रहे थे। फिर उमेश का काम थोड़ा सा उसमें इसलिए आ गया था क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में उसे लेकर आना था, नाटक से उसे फिल्म बनाने के लिए। तो फिल्म के तो अपने ही पैरामीटर्स होते हैं, उसमें बड़े सीन्स भी आप नहीं लिख सकते हैं या बड़े सोलोलोक्स नहीं लिख सकते हैं, तो उस तरह से उसको फिल्म के लिए अडॉप्ट किया गया। किसे भेजनी है नोटिस? भगवान को। मिस्टर भगवान? सरनेम? पता नहीं, क्योंकि हम लोग मिले नहीं है। अरे कहीं तो रहता होगा मिस्टर भगवान। अरे ये नोटिस किसे भेजूं? हाँ, लोग कहते हैं कि वो मंदिरों में रहते हैं। अच्छा है? लुबना जी, जो आपने कहा कि सीन लंबे नहीं बड़े नहीं रख सकते, ये क्या कहना चाह रही हैं आप? क्या होता है कि जब हम स्टेज कर रहे होते हैं, स्टेज में आप
आपको दर्शक को अट्रैक्ट करना होता है और उसका अटेंशन आप रख सकते हैं जी काबू में, क्योंकि सामने हैं आप सजीव, बिल्कुल आप सामने हैं, आपका आपका गिव एंड टेक चल रहा है, एक आपका यू नो ऑडियंस के साथ में तारतम्य बन जाता बन चुका है, तो वो अलग चीज होती है। यहाँ पर जब आप बड़े पर्दे पर होते हैं तो आप गाने में उठकर जा भी सकते हैं बाथरूम या यू नो कोई फोन कॉल भी दे सकते हैं आप, ये आपके आप किस तरह से या उस फिल्म को यू नो देखना चाहें, क्योंकि वो एक इंटरपर्सनल वो तो एक रिलेशनशिप नहीं रहती है, तो उसमें इस बड़े सीन्स रख नहीं सकते हैं इसलिए कि फिर वो यू नो अटेंशन स्पैन को कैरी करना मुश्किल होता है। ओ, यानी कि लोगों का ध्यान थोड़ा सा मन हट सकता है और लोग निकल के जा सकते हैं हॉल से बाहर। जी बिल्कुल। अच्छा। और अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप हिट फिल्में देखते हैं कोई भी, तो एक वो हिट क्यों होती है, वो इसी हम ये जो छोटे छोटे सीन्स को लेकर जो एक इमोशन बनता है हम उसी से जोड़ते हैं जाकर, और जब वो इमोशन हमें कहीं ना कहीं जोड़ देता है, और वो सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए नहीं पैन इंडिया या जहां पर भी जिस कोने में भी वो फिल्म देखी जा रही है अगर उस इमोशन से जुड़ गई तो वो फिल्म एक सुपरहिट है। ये आंकड़ों की बात नहीं है कि वो यू नो 100 करोड़ क्लब है और यू नो 200 करोड़ क्लब है, वो वाली बात नहीं है, वो वाला हिट की बात भी नहीं, बिल्कुल वो लोगों को पसंद आए, हिट जो लोगों को पसंद आए। और ओ माय गॉड के साथ में यही हुआ, ओ माय गॉड के साथ में यही हुआ क्योंकि वो एक बात जो हम कभी भी बोलना नहीं चाह रहे थे या हमें लग रहा था कि है हो रहा है हमारे आसपास इर्द गिर्द, लेकिन हम कभी भी उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करते थे या फिर उसको हम फोकस में नहीं लेकर आते थे, वो बात बाहर निकल के आई और इसीलिए मुझे लगता है सराही गई और इसीलिए मुझे लगता है वो बहुत बड़ी हिट हुई और आज तक देखी जा रही है। जी हाँ लुबना जी, बॉम्बे टॉकीज में हम ओ माई गॉड इस फिल्म की एक बार फिर चर्चा करेंगे। इस नाटक को जब मंचित किया गया तो आपने कभी उसमें कोई भूमिका अदा की थी या सीधे फिल्म में? ऑन द कॉन्ट्ररी, मुझसे ये कहा गया, मैं नाटक पता नहीं क्यों लेकिन देख नहीं पाई। अच्छा। और फिर जब उमेश जी और परेश जी ने मुझे बुलाया तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि देखो हम नहीं चाहते, मैंने कहा मैं नाटक देखूं क्योंकि मैं लेट मी प्रिपेयर फॉर द रोल, तो उन्होंने कहा नहीं ये अच्छा ही रहेगा कि तुम ना करो। अच्छा। इसलिए कि हाँ तुम इन्फ्लुएंस हो जाओगी और फिर यू नो तो वो करना नहीं है। हालांकि देखिए अगर उस पूरी फिल्म में देखें तो जो मुख्य भूमिका है वो तो परेश जी की ही है, सारा सब कुछ पूरे परेश जी के, जो आसपास लोग आ रहे हैं वो मतलब दूसरी कास्ट है, वो सपोर्टिंग कास्ट जी। नाटक में ये था कि उसमें बहुत ही वर्बोस नाटक था और जिसमें सिर्फ कांजी अपने बोल रहे हैं, लंबे लंबे उनकी स्पीचेस थी, तो उसमें दूसरे कैरेक्टर्स तीन या चार निकल के आते थे। यहाँ पर चूंकि हम फिल्म थे हमको फैलाव करना ही था, इसीलिए जब मैं कह रही थी छोटे छोटे सीन्स बनाने की कोशिश की तो फिर उसमें फैमिली इंट्रोड्यूस की गई, फिर उसमें आस पड़ोस के लोग इंट्रोड्यूस किए गए, फिर जो बड़ा एंट्री कृष्ण की होती है बड़ी मॉडर्न सी वो थी, फिर उसको चलाने के लिए एक गाना बनाया गया। तो यू सी ये सब चीजें होती हैं जो मतलब आपको फिल्मों में की जरूरत, ये सारे होती हैं सब चीजें जो जिसको कहते हैं कथानक और बढ़ाना, जिसको कथानक एग्जैक्टली तो इसलिए मुझसे कहा गया कि आप नाटक नहीं देखें तो अच्छा, नहीं तो अच्छा। आप फौरन मना कर देंगी क्योंकि उसमें आपके लिए कोई उसमें कुछ है ही नहीं जी की बीवी का। अच्छा। तो फिर उन्होंने ये रोल बनाया, बाकायदा लिखा गया और फिर जब उनकी वो एक्टर्स की तलाश निकली तो दे वॉन्टेड एन एक्टर, एक ऐसा कैरेक्टर चाहते थे वो जो लगे कि ये गृहिणी है और ये घर किसी के घर की बात हो सकती है जी। तो वो इतनी सिंप्लिसिटी चाह रहे थे, इस वजह से उन्होंने मुझे कास्ट किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं आमतौर पे फिल्में नहीं करती हूँ और बहुत ही कम करती हूँ, और जो भी करती हूँ मुझे एक तो अच्छी लगनी चाहिए, कुछ होना चाहिए दिखाने के लिए, और ये फिल्म तो मैं बिल्कुल भी रिफ्यूज नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ परेश जी और हमारे फैमिली रिलेशनशिप एंड उमेश जो मेरा सीनियर था बीटी बाई कॉलेज से। अच्छा। तो इस वजह से पर उसकी प्रेपरेशन फिर इन्होंने मेरी बहुत मदद की, जैसे अक्सर ऐसा होता था कि मैं अब हम तो सभी थिएटर के लोग थे वहां पर और हम तो जब तक कि यू नो 10 बार रिहर्स ना करें अपनी लाइन तो वो बात निकल के नहीं आती थी जी। अच्छा मुझे डर लगता था कि मैं परेश जी के सामने जाऊं और उनसे पूछूं कि जरा आप क्या प्लीज मेरे साथ रिहर्सल कर लेंगे। अच्छा। नॉर्मली फिल्मों में एक यू नो अलग से वो हायरार्कीज बन जाती हैं लोगों की, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा। और मैंने जितनी बार उनसे कहा है कि परेश भाई कैन वी यू नो डू दिस लाइन, हाँ हाँ चल चल। अच्छा। ये बिना सोचे
कि यू नो मैं तो इतनी बार, वो कह सकते थे मैं तो इतनी बार कर चुका हूँ, हजारों शोज कर चुका हूँ, उनके तो मतलब वो बिल्कुल रटा हुआ। लेकिन उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया। मैंने जितनी बार कहा कि परेश भाई इसको ऐसे कर ले, हाँ हाँ अच्छा तू इसको ऐसे देख, इसको यहाँ से देख तो फिर यू नो वहां से एंगल आ जाएगा, अच्छा। इस तरह की बातें। तो इट वॉज रियली वेरी नाइस एंड बड़ी अच्छी फैमिली सी फीलिंग बन गई थी। बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही अच्छा लगा, वन ऑफ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। किसी खास सीन की चर्चा करेंगे आप उस फिल्म के? सीन मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग था। एक तो वो सीन बहुत ही उमदा था जब वो घर छोड़ के जाती है, जब वो पत्थर आते हैं फेंके जाते हैं और फिर वो रात में घर छोड़ के जाती है गाड़ी में बैठकर। आप यकीन मानिएगा कि वो मेरा पहले दिन का पहला शॉट था और मैं इतना गुस्सा कर रही थी कि भाई जरा सा तो कुछ कर लेने देते कि यू नो एक फीलिंग आ जाती कि भाई ये क्या है क्या नहीं। और पहले दिन वो उनको वो हम लोग शूट कर रहे थे कहीं किंग सर्कल में कोई एक और रियल लोकेशन थी वो, अच्छा। और रात की शूट थी हमारी और रात को 11 बजे यू नो ये शॉट लगाया गया और पहला शॉट मेरा यही था और मैं घबरा के मतलब आप सोच नहीं सकते कि क्या होगा। अभी परेश भाई के सामने पहली बार खड़े होके फिर वो हो गया वो। लेकिन जब मैंने पूरी फिल्म देखी तो मुझे ये बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि ये नहीं लगता पहला शॉट था मेरा या उसके इर्द गिर्द यू नो सारा काम हुआ। वैसे ही बहुत एक जो लास्ट का अगर आप देखें वो जो बिल्डिंग गिरती है और वो सब होता है वो सब भी वो भीड़ भाड़ थी, ठीक ठाक थी भीड़ भाड़ थी उसमें। अच्छी खासी जी। तब तो खैर ये समय भी नहीं था कि आप मास्क लगाएं तो जी 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 तो अच्छा रहा, वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। तो भीड़ में जब कहीं शूट होती है, जब आप शूटिंग करते हैं तो वो रियल भीड़ होती है या कभी कभी क्रिएटेड होती है, वो आर्टिस्ट होते हैं, कितने टेक रीटेक होते हैं, तो दिक्कत आती है नहीं आती है, क्या होता है? देखिए जब हम रियल लोकेशंस पे काम करते हैं तो अमूमन तौर पे भीड़ होती ही है जी। और वो कॉमन लोगों की भीड़ होती है जो आपने अक्सर जब फिल्में बन रही होती हैं या हमने टीवी पे देखा होगा कि ये लोग खड़े हो गए हैं और लाठी चार्ज हो रहा है, इधर खड़े रहो इधर खड़े रहो, यू नो लोगों ने घेरा बंधाव कर बांध दिया है कि आप आ नहीं सकते अंदर क्योंकि शूटिंग इस पर्टिकुलर एरिया में हो रही है। वो भीड़ अलग किस्म की भीड़ है। जब हम स्क्रीन पर भीड़ दिखाते हैं तो वो बिल्कुल वो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं हमारे, अच्छा। और बाकियों के उनको सब पता होता है क्योंकि वो जानते हैं ये फील्ड और ये किस तरह से फिल्माया जाएगा सब कुछ। तो उनकी तो उन आसानी हो जाती है कि आप अगर जूनियर्स को ले लें तो यू नो आपको इधर भागना है या आपको इमोशन दिखाना है या गिरना है या यू नो जो भी आपको किस तरफ तो देखना है, ताली बजानी होती है जी बिल्कुल। वो कंट्रोल भीड़ से आपको तुरंत वो मिल जाता है जो आपको आप शूट करना चाह रहे हैं। तो ये इस फिल्म में जब बिल्डिंग गिरती है और भीड़ इकट्ठा होती है तो वो आपके आर्टिस्ट थे जी, वो सारे जी वो जूनियर थे बिकॉज ये हमने शूट किया था सेट और वो सेट है जो आपने देखा वो मॉडल है जो गिरता है। हाँ, लेकिन रॉक्सी सिनेमा दिखा दिया था उसमें और उसको बहुत अच्छी बखूबी दिखाया गया पैन करके जी बहुत ही अच्छा, वो इतना रियलिस्टिक बनाया गया। इनफैक्ट उनकी जो दुकान थी वो भी एक सेट ही था। अच्छा, और अक्सर ऐसा होता है अगर हम किसी फिल्म के शूट पर जाते हैं तो कभी एहसास ही नहीं होता है कि ये सेट है जी, इतना रियल लाइफ होता है ये सेट के इतना मजा आ जाता है। तो वही आधी आधी बात तो वहीं पर यू नो खत्म हो जाती है कि इट लुक्स सो रियलिस्टिक कि आपको एक बार भी एहसास नहीं होगा कि आप क्रिएटेड बनाया गया उसमें है। और अक्सर आजकल तो खैर फिल्में रियल लोकेशन पे बनती हैं तो उसका कुछ और ही यू नो एक वो है फोकस होता है जी हाँ। जो फिल्में बनती हैं लेकिन कंट्रोल कंडीशन में काम करने से बेटर मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी जो होती है वो थोड़ी सी अच्छी मिलती है, अच्छी भी और जल्दी हो जाता है जल्दी प्रोडक्शन के हिसाब। ये बात तो है। इस फिल्मी दौर की बात करें यात्रा की तो सबसे पहली फिल्म आपने काफी साल पहले की थी। हाँ बहुत साल पहले थी, मैं पर्वत के उस पार फिल्म थी, मैं कॉलेज में दाखिला ही हुआ था मेरा, अच्छा। और रमन कुमार रमन अंकल ये फिल्म बना रहे थे और अभिनव चतुर्वेदी जो हम लोग के जो नन्हे थे उनकी ये पहली फिल्म थी। अच्छा मेरा कोई भी ख्याल नहीं था कि मैं फिल्मों में जाऊंगी क्योंकि मैं थिएटर में काफी सालों से काम कर रही थी और मुझे लगा बस थिएटर इज ब्यूटीफुल और उस समय थिएटर यू नो लेट 80s का अर्ली 90s का थिएटर बहुत
सजग और बहुत ही वाइब्रेंट था, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था. और जिस तरह से लोग प्लान करते हैं, जैसे आजकल तो सब लोग प्लान करते हैं अपने करियर के, यू नो, इतने तैयारियां करेंगे, यू नो, अपनी बॉडी बनाएंगे और डांस सीखेंगे और आजकल तो एक्टिंग के कोर्स करेंगे. नई चीज आ गई है कि आपके इंस्टा फॉलोअर्स कितने हैं और यू नो आपके टेक्निकल वो कितना है, तो आपका सोशल मीडिया कितना स्ट्रांग है, तो उस हिसाब से आपको यू नो कास्ट किया जाए या ना किया जाए, ये भी एक एडेड चीज हो गई है आजकल. अच्छा जी 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 क्या बात है. हम जब आजकल जो भी करते, अभी हाल ही में मेरा एक ओटीटी पर एक वेब सीरीज रिलीज हुआ है सैंडविच फॉर एवर, और उसमें पहला काम हमसे यही पूछा गया कि मैम कैन यू गिव अस योर सोशल मीडिया हैंडल, तो सारी चीजें बताई गई. तो हाँ. ये सब सम्मिलित होकर और आपका पर्सोना बनाते हैं कि आप पब्लिक फिगर में कितने इंपॉर्टेंट हैं या नहीं है. एक्टिंग से कोई मतलब नहीं आजकल तो खैर कोई जरूरत ही नहीं होती है, थोड़ा बहुत आ जाना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए. आजकल कॉन्फिडेंस पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर जाते हैं ना ऐसा. चलिए तो हम 1988 में चलते हैं, पहले जिस पहली फिल्म की बात कर रहे थे. जी अरे वो तो मत पूछिए. तो जब तैयारी नहीं थी तो यू नो उस तरह से एक मेंटल मेकअप ऑफ माइंड नहीं था, और हमें धर दिया गया. दो दिन के अंदर कहा गया रमा के बेटा ये आप फिल्म कर लीजिए. एंड मैंने कहा, मैंने पापा से पूछा, पापा चूंकि फिल्म लिख रहे थे और यू नो फिल्मों से ताल्लुक रखते हैं मम्मी पापा दोनों, तो पापा ने कहा नहीं बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर का यूनिट है तो इट्स ओके. अच्छा चलो ठीक है, घर का यूनिट है. तो मतलब राकेश बेदी थे वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, रमन अंकल थे, आंटी थी और कास्ट अपनी ही थी, तो सब लोग अपने मिल बुला के हम लोग चले गए कश्मीर. अब दो दिन के अंदर हमें पहुंचा दिया गया कश्मीर. अच्छा. वो भी लोलाब वैली में, इतनी खूबसूरत, जिसे कहते हैं ना सीरियसली जन्नत अगर यहाँ धरती पर है तो वो कश्मीर में है. जी बिल्कुल. तो वाकई वो जगह थी इतनी उमदा. लेकिन हमारे साथ तो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि हम यहाँ की बंबई की यू नो पैदा हुई लड़की, पली बड़ी यहीं पर, वहां जाके जब हमें मोमबत्तियों का राशन मिलने लगा तो समझ में आया जिंदगी की असलियत क्या है. धरती पे पैर तब आया. बिल्कुल तब आया. लेकिन बहुत अच्छा भी लगा क्योंकि नया एक्सपीरियंस था. तो मेरे लिए जो लर्निंग थी, नदीम खान उसके डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी थे जी, और खयाम साहब का म्यूजिक था उसमें जी. और मुझे तो वो इसलिए अच्छा लगा कि वो सारी चीजें जो मैं थिएटर में कर रही थी, और जितना भी छोटा मेरा एक्सपीरियंस था यू नो 8-10 साल का, बिकॉज मैं बहुत कम उम्र से थिएटर कर रही हूँ, तो वो सारा एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पर आकर और एक एक छोटे से एंगल के अंदर मुझे एंगल भी समझाया गया कि बेटा इसको ऐसे देखिए, इसको ऐसे करिए, इस डिस्टेंस पे आइए, बस चार कदम रखना और फिर इसको ऐसे देखना. तो हर चीज, फिर उसमें डांस भी आया, फिर उसमें लिप सिंकिंग भी आई. मैं बड़ी खुशकिस्मत के आशा भोसले जी ने मेरे लिए गाने गाए, तो खयाम साहब का म्यूजिक, लिप सिंक करना और उस पर एक्टिंग करना, और उसमें बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस था वो. यानी कि फिल्म का ग्रामर आपने सीखा. बिल्कुल सीखा, बिल्कुल सीखा. लेकिन जो आप मोमबत्ती वाली बात कर रही थी, क्या हुआ, कैसे वाली? वो होता था हमारे साथ में क्योंकि हम बहुत ही छोटे से गांव में थे, कुपवाड़ा, अगर आजकल आपने बहुत सुना होगा ये नाम, उससे भी 20 किलोमीटर अंदर वो गांव था. अच्छा. और लेकिन था इतना खूबसूरत, इसमें नेचुरल झरने बह रहे हैं और अच्छी खुमारी सी, इतनी प्यारी सी ठंड, जैसे गुलाबी ठंड कहते हैं वो, और हर जगह आप देखें तो हर चीज धुली धुली लगती थी. इट वॉज सो सीनिक, लोग इतने खूबसूरत, मतलब गांव वाले इतने प्यारे, यू नो. और उसमें मेरा ये रोल था कि मैं भेड़ बकरियां चला रही हूँ, तो मैं तो भेड़ को ही देखकर मैं डर गई कि ये क्या होता है, और इतनी स्मेल करती है वो सारी भेड़. तो हमने कहा अब ये कैसे होगा, नाक तो बंद नहीं कर पाएंगे. तो नाक बंद करके एक्टिंग करनी है. चलो वो जो एक जज्बा होता है ना, चलो सब करना है. थोड़े दिनों में सारी चीजों की आदत पड़ी. क्या बात है, क्या बात है. जी, और थोड़े ही दिनों में, 8-10 दिनों में, क्योंकि सूरज जो था वो बादलों में छुप कर आता था जी, तो जो वो वाली जो किरणें होती हैं वो आपको बिल्कुल ही टैन कर देती हैं जी. तो 10 दिन में टैन हो गए, तो मेकअप दादा की मुसीबतें शुरू हो गई कि ओहो अब इसको नॉर्मल कैसे करें, क्योंकि इससे पहले वाले सीन में तो टैन नहीं थी. अच्छा. अब ये टैन हो गई है. अच्छा, उसको बराबर करना, मैच करना. अरे बाबा, बहुत मजा आता था. जैसे हमें खाना भी जो मिलता था वो भी यू नो या दूध मिल जाए या गांव का खाना मिल जाए. फिर वहां के डीएम ने एक बार हमारी दावत
शिरकत की थी तो पूरा वाजवान लगा था और पहली बार मैंने कहा मम्मी मैं तो खा नहीं पाऊंगी। अच्छा वाजवान का तरीका होता है कि वो 11 बार 11 डिशेस होती हैं या कितनी डिशेस होती हैं, तो वो हर डिश एक बार आती कोर्स अलग अलग। हाँ जी 11 कोर्सेज जी वो कोर्सेज होते हैं, तो वो एक बार एक चीज आती है तो आप फिर वो खाए फिर दूसरा खाए। और हम तो मतलब उस टाइम पर 40 किलो के वजन वाले, किस पेट में डालूं? और मना आप कर नहीं सकते, वो बुरा मान जाए जो होस्ट है हमारे। तो खैर बड़ी मजेदार चीजें होती थी। आप सोचिए वहां पर भी मतलब अब कोई दिल्ली जाए तो हमारे लिए ये ले आओ ये ले आओ ये ले आओ, और हमारा ये होता था कि अच्छा मेरे लिए शॉल ले आइएगा, मेरे लिए मोजे ले आइएगा। अच्छा इतनी ठंड होती थी वहां पर। और लाल बाजार था, मुझे लाल बाजार था वो वहां पर अक्सर जो भी जाता था, और आलू की भरमार होती थी तो, और मेरे फेवरेट होते थे आलू, बहुत मजा आता था। आलू आप भून भून के खाते थे, रजाइयों में सोते थे, मोटी मोटी रजाइयां कांगड़ियां रख के, वो वक्त ही कुछ और था। इतनी सिंपल लाइफ थी। उसके साथ में जो हुआ था वो ये हुआ था कि जैसे ही हमारी शूट खत्म हुई हम कश्मीर आए और वहां पर कर्फ्यू लग गया, तो वी वर द लास्ट यूनिट जो गए थे वहां पर शूट करने के लिए। तो उसके बाद में फिर हमें कैसे, हम लोग इतनी मुश्किल से दिल्ली तक हमें फ्लाइट मिली और फिर हम वापस आए। तो ऑल इन ऑल वो एक्सपीरियंस पहला था लेकिन मेरे लिए बहुत ही बैगेज लेकर आया था, इमोशनल बैगेज लेकर आया था, क्योंकि मैं एक तो तैयार नहीं थी, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई काम नहीं करना चाहिए जिसके लिए आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड ना हो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लेकर आएगा और ज्यादा करके नेगेटिव एक्सपीरियंस ही लेकर आएगा। इसीलिए जिस चीज के लिए आप तैयार हो, यू नो यू शुड बी एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड टू फेस थिंग्स सो दैट यू कैन फेस देम बेटर, और उसमें आप अपना प्रदर्शन भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। लुबना जी, यहाँ पर कश्मीर की इतनी बात चल रही है और जो आपके बहुत अच्छे अनुभव हैं, तो कौन सा गाना कश्मीर से जुड़ा हुआ अगर हम सुन लें तो हम वहाँ सब, हमारे श्रोता भी वहाँ पहुँच जाएंगे तुरंत? हाय आप सोचिए ना, कश्मीर का सबसे फेमस गाना, हम इतने खूबसूरत गाने फिल्माए गए हैं कश्मीर में, यू नो शुरू से लेकर आखिर तक, कश्मीर की कली जी। भीड़ की बात आपने कहा था कि ओ माई गॉड में, तो वो आपकी देखी हुई मतलब क्रिएटेड थी भीड़, आर्टिस्ट थे उसमें जूनियर आर्टिस्ट, लेकिन भीड़ की अगर हम बात करें तो हमें लगता है अभी जो आपकी फिल्म आई फोटोग्राफ जी, उसमें जेट्टी और समंदर के किनारे की जो भीड़ है वो तो कमाल का ही एक एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था। अच्छा। और रितेश बत्रा कर रहे थे जो लंच बॉक्स जिन्होंने बनाई थी, तो वो एक सेमी आर्ट फिल्म जैसी थी, तो हमेशा उनको हर वो जो कहानी थी वो भी एक बड़ी रियलिस्टिक ड्रामा था, तो हर चीज रियलिस्टिक करने की, जो आजकल ट्रेंड भी बना हुआ है जी अगर आप देखें तो। ये हमने शूट किया एक्चुअल गेटवे ऑफ इंडिया में, जिसमें वो जेटी में जा रही है, जेटी से बाहर निकली है, और जिसमें वो पहली बार गेटवे ऑफ इंडिया पे नवाजुद्दीन तानिया मल्होत्रा को मिलते हैं और कहते हैं आप फोटोग्राफ खिंचवा लीजिए, और वहीं से वो कहानी शुरू होती है। तो हमारा कॉल टाइम हमको मिलता था सुबह 3 बजे का 4 बजे का, और चूंकि परमिशन लेनी होती है एक्चुअल लोकेशन पे शूट करने के लिए, तो उसमें हमें परमिशन थी शायद 7 या सुबह 8 बजे तक, तो हमारे पास सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे हुआ करते थे उस लोकेशन पर शूट करने के लिए, बिकॉज वो पब्लिक लोकेशन है गेटवे ऑफ इंडिया, और बहुत ही क्योंकि ताज होटल के सामने की है तो इट्स वेरी फ्रजाइल। उसमें परमिशन के साथ में यहाँ से वहां तक पुलिस के घेरे और यू नो लोगों की भीड़, और आप इधर नहीं आ सकते उधर नहीं आ सकते, तो हमारा ये होता था कि हम पब्लिक के आने से पहले शूटिंग खत्म कर लें। लेकिन कमाल ये था कि हम जब जेटी में जाते थे शूट करने के लिए, तब तक तो, और जिस जेटी के अंदर तो वो लोग थे जो मतलब जूनियर्स थे, लेकिन जैसे ही हम बाहर आते थे जी, तो आपको आम भीड़ मिलती थी वहां पर जी। तो जो आप देख रहे हैं जी, ज्यादा करके मिक्स है, कुछ हम जूनियर्स हैं और कुछ एक आम भीड़ है। अच्छा। क्योंकि वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था तो इस वजह से कोशिश ये की गई कि मतलब 800,000 लोग जो हैं जी, वो जूनियर आर्टिस्ट आ जाएं। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी वो भीड़ लगता था बहुत थोड़ी सी है जो हमें एक्चुअल रियली भीड़ मिली उनमें। और यही होता था कि जब तक कि हम और हमारे जो वैन्स थी, वैनिटी वैन, वो जरा दूर लगी हुई थी, तो जब तक कि हम लोग सब लोग चल के जाएं तो वो हमें कॉर्डन ऑफ किया जाता था कि आम भीड़ आम लोग हमारे आसपास ना आए, तो हम उसके अंदर चला करते थे, उसके अंदर आया करते थे, जाया करते थे। हाँ, वो अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, लेकिन ऐसे लेकिन रियल भीड़ को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन लोग पहचान लेते हैं, पहचान तो
लेते हैं, पहचान ही लेते हैं। शूट जहाँ जहाँ आपने एक कैमरा रख दिया, आजकल तो आपने जहाँ एक मोबाइल फोन से शूट करना शुरू कर दिया वहां पे चार लोग आके खड़े हो जाते हैं, तो भीड़ की तो आप किसी रोक ही नहीं सकते। जी जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अभी आप थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे पर्वत के उस पार की, मुझे एक बहुत ही अजीब सा मेरे साथ जो एक्सपीरियंस था वो मैं आपको बताती हूँ। भीड़ को लेकर रात में एक सीन हम शूट कर रहे थे वहां पर, आप सोचिए गांव में ठंड में जी। हम शूट कर रहे थे और हमें लगा हम लोग करके निकल जाएंगे, तो उसमें वो एक घेराव होता है और जो गुंडे हैं वो आकर हीरो और हीरोइन को यू नो मारने लगते हैं जी। और थोड़ा देर तो हुआ, हम लोग 7 बजे वहां पहुंचे, हमने लगा 9-9:30 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे ये काम करके जी। गुंडे तो थे वो तो जूनियर्स थे चूंकि वो फायदा दादा के लोग थे, और थोड़ी देर में कुछ लोग आए, 8-10 लोग आए, फिर 15 लोग आए। अच्छा, यूनिट भी हमारा ज्यादा छोटा था, हम बड़ा यूनिट लेके ही नहीं गए थे लोकेशन पर। और आधे पौने घंटे के अंदर कुछ 5-6 आसपास के गांव वाले आकर वहां पर खड़े हो गए, और हमारे पास ना मैन पावर उतना कि हम लोगों को रोक सके जी। और मतलब के वो जो अरे जो जो बेचारे फाइट दादा थे वो सारे मास्टर्स थे और सारे हमारे असिस्टेंट थे एडी से, सब ऐसे बिल्कुल हाथ से हाथ जोड़कर ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हुए थे कि और आवाजें चिल्ला के भैया थोड़ी देर रुक जाइए, हम ये सीन शूट कर लें, ये सीन शूट कर लें। और वो करीब आते गए, लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस समय मैं आपको बता रही हूँ। और अभिनव ने और जो विंता नंदा डायरेक्टर हैं वो हमारी असिस्टेंट, उन्होंने वहीं से अपनी शुरुआत की थी, विंता ने और अभिनव ने मुझे ऐसे बिल्कुल ऐसे हाथ के अंदर जकड़ रखा था, बिकॉज मैं कांप रही थी और रो रही थी कि ये ऐसे लोग आ रहे थे आसपास। अच्छा, वो हीरोइन को देखे या वो ये एक्ट्रेस को देखकर कुछ था या क्या, आई कैन नॉट टेल यू। फिर हम शूट ही नहीं कर पाए वो वहां पर, उनको किसी तरह से डिस्पर्स किया क्योंकि संभव ही नहीं था। बिल्कुल सुरक्षा की बात आ गई, डर बिल्कुल, वो सुरक्षा बिल्कुल, वो बैरिकेड तोड़ ताड़ के और सारे अंदर आ गए। मतलब इट वॉज टेरिबल टेरबल टेरबल टेरबल। तो ऐसा भी होता है, अक्सर होता है। तो इसीलिए आजकल जो है जो तो लोग यू नो बाकायदा यू नो अपने सिक्योरिटी वगैरह लेके सिक्योरिटी को लेते हैं और सबको लेकर चलते हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि आपने जब 1988 में ये फिल्म की जी, तो फिर आप हीरोइन के तौर पर क्यों नहीं आई फिल्मों में? मैंने एग्जैक्टली थोड़ी देर पहले यही कहा था कि जब आप मेंटली किसी चीज के लिए प्रिपेयर ना हो तो वो काम नहीं करना चाहिए। मेरे लिए उस समय अगर मैं तैयार होती तो अपनी फिल्में चुनती, और चुनना चुन के आती तो शायद मैं कहीं और एक अपना करियर के हिसाब से उसको मोल्ड कर पाती। क्योंकि मैं नई थी, यंग थी, कुछ समझ नहीं थी मुझे उस समय, तो मैंने शायद ये बात नहीं की अपने तय की यू नो एक प्रॉपरली एक मार चौक आउट करूं अपना करियर। दूसरी बात ये थी कि जो फिल्में उस समय बन रही थी जी, वो समय था अगर आप याद रखें तो सोनम एक्ट्रेस एक थी, जी, एक जी। थी अपनी किमी काटकर, और तो हीरोइंस का जो पॉपुलर सिनेमा था वो एक बहुत ही एक यू नो एक कैप्सूल के अंदर महदूद होके रह गया था। इट हैड टू बी प्रोवाइडिंग ग्लैमर, बस ग्लैमर हो तो और उतना ही है हीरोइन का काम। और जो 8 फिल्में थी वो खत्म ही हो रही थी जी। तो इस वजह से ये हुआ कि मुझे पॉपुलर फिल्मों में हम चूंकि पले बड़े थे 8 फिल्मों के लिए, और अगर करना है तो इस तरह की फिल्में करना है यू नो, और वो तो चूंकि बन ही नहीं रही थी तो हमको, और मैंने उस समय डिस्कवरी ऑफ इंडिया सीरियल भी कर लिया था श्याम बेनेगल के साथ में, सत्यू के साथ में उनका एक चिकवी राजेंद्र एक बहुत बड़ा सीरियल था वो भी कर लिया था अनंतनाग और नीना गुप्ता के साथ में, तो वो था वो किया तो उस और उसके फौरन बाद ये फिल्म मिल गई, तो मेरे लिए वो बहुत ही नेगेटिव इमेज लेकर आई। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे मुझे जाना नहीं चाहिए, बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी। मैं अंदर से जिस चीज से आप खुश ना हो फिर उसे करने का कोई मतलब नहीं है। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि इतना बड़ा तुमने करियर त्याग दिया और कोई कुछ क्या कर डालता ये सब करने के लिए। मैंने कहा अगर मैं खुश ही नहीं हूँ अंदर से जी, तो मेरे लिए वो चीजों का कोई मायने ही नहीं रखती है। आज भी अगर उस बात को देखूं तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सही डिसीजन उस समय लिया, क्योंकि शायद मैं वो करियर में खुशी नहीं रह पाती या मैं वो करियर वैसा बना ही नहीं सकती उस समय। तो माता पिता, जैसे आपके पिताजी राइटर हैं और माँ आपकी डिजाइनर हैं,
वो कॉस्ट्यूम डिजाइन करती हैं। उन लोगों ने कोई ऐसी आपको फिल्म चुनने में या ऐसा कोई सहयोग नहीं दिया? पापा हमेशा ही कहते थे कि जो तुम करोगी वो हम तुम्हारे साथ में हैं, लेकिन मे बी हम पले बड़े इस तरह से थे कि हमारे वैल्यू सिस्टम्स अलग थे और ये हमें फ्रीडम थी कि हम जो चुने वो हमारा है। हम पापा ने मम्मी ने हमको हमेशा कहा जो तुम कहोगी वो हम तुम्हारा तुम्हें उसका साथ देंगे। इफ यू वॉन्ट टू डू मेक अ करियर हम तुम्हारे साथ में हैं, वी विल गाइड यू। लेकिन जब मैं ही नहीं चाह रही थी उतनी शायद मुझ में तब अकल थी या पता नहीं क्या था। जब आपको अफसोस नहीं है तब तो अच्छी बात है कि आप खुश हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए कोई उम्र नहीं होती फिल्म। जी, जब मैं वापस आई तो मैं अपने मन का काम कर सकती थी और मैं आज बहुत खुश हूँ वेर एवर आई एम, क्योंकि वो जो समय था जो मैंने अपनी फैमिली को दिया, क्योंकि उसके फौरन बाद मेरी शादी हो गई थी और बच्चे हो गए थे, तो मुझे लगा कि वो बहुत अहम हिस्सा, सबसे अहम हिस्सा एक औरत के लिए वही होता है कि उसकी फैमिली। तो आई विल नॉट से दैट आई रिग्रेट देम एट ऑल, यू नो आई लेफ्ट अ करियर बिकॉज आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुशी है कि यू नो मैंने वो 10-12 साल अपनी फैमिली को दिए, और जब मैं दोबारा आई तो उसी यू नो खुशी के साथ आई और उसी इत्मीनान के साथ आई कि आई विल डू इट एंड आई डू द बेस्ट। के पिताजी जावेद सिद्दीकी जी और माँ फरीदा जी, बहुत रोचक बात चल रही है लुबना जी, आपसे बात हम करते रहेंगे। फिलहाल आज का ये एपिसोड, ये पार्ट यहीं पर रोकते हैं। नए साल के लिए मैं एक संदेश देना चाहती थी एक गाने के जरिए से, और वो गाना है ए जिंदगी गले लगा ले। बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे रंगमंच फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री लुबना सलीम से रेणु चतुर्वेदी की टेलीफोन पर हुई फिल्मी गपशप का पहला भाग। तकनीकी सहयोग विनायक तलवलकर, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी। अपना बॉम्बे टॉकीज, टॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज, सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।